दिन एक जैन भिक्षु तानजेन और एक दूसरा युवा भिक्षु यात्रा कर रहे थे। उन्होंने एक सुंदर युवती को देखा जो तेज बहाव वाली नहर को पार नहीं कर पा रही थी। तानजेन ने मदद का प्रस्ताव रखा और उसे नहर के पार ले गया। उसने युवती से विदा ली और दोनों भिक्षुओं ने अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ दिनों की यात्रा के बाद उस युवा भिक्षु ने तानजेन की ओर मुड़कर बहुत विचलित आवाज में पूछा, मेरे ख्याल से हम भिक्षुओं को औरतों से बचना चाहिए, आपने उसे इस तरीके से क्यों उठाया? तानजेन ने जवाब दिया, कैसी औरत? ओ, तुम्हारा मतलब वहाँ पीछे मिली औरत से है? मैंने तो उसे बहुत पहले नीचे उतार दिया था, क्या तुम अब भी उसे ढो रहे हो? जब तानसेन ने कहा कि युवा भिक्षुक अब भी उसे ढो रहा है, उससे उसका क्या मतलब था? देखिए, मन की प्रकृति ऐसी है कि लोग अपने जीवन में संघर्ष इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन की प्रकृति को समझने की कोई कोशिश ही नहीं की है। मन का एक बुनियादी पहलू यह है कि आप जो भी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता, वही आपके मन की प्रकृति बन जाता है। वो आपके मन में मौजूद मुख्य चीज बन जाती है। अगर आप कहते हैं कि मैं बंदरों के बारे में नहीं सोचना चाहता, आप एक प्रण लीजिए कि अब से मैं बंदरों के बारे में नहीं सोचूंगा। पूरा दिन आप केवल बंदरों के बारे में ही सोचते रहेंगे। अगर आपने ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं की है तो शायद आप बंदरों के बारे में कभी ना सोचें जब तक कि आप उन्हें देख ना लें। तो एक भिक्षु होने के नाते एक ब्रह्मचारी होना कोई प्रतिज्ञा नहीं है कि मैं औरत को स्पर्श नहीं करूंगा। आपने अपने जीवन में कुछ अधिक ऊंचा हासिल करने की एक खास प्रतिबद्धता ली है, किसी चीज को छूने की, किसी दूसरे आयाम को, जहां सांसारिक चीजें आपके लिए निरर्थक होंगी। लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ है तो आप उसे एक कठोर प्रतिज्ञा की तरह करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि किसी औरत को स्पर्श न करने से आप ब्रह्मचारी बन जाएंगे या आप एक भिक्षु बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। किसी ऊंची चीज की आकांक्षा करने से आप एक भिक्षु नहीं बनेंगे। आप लगातार किसी ऊंची चीज की आकांक्षा कर रहे हैं तो आपने अपने आसपास की चीजों को नहीं देखा, वो अलग चीज है। लेकिन आपका यह कहना कि मैं इसे नहीं देखूंगा आपके मन को उसी के ख्याल से भर देगा। तो किसी औरत को कुछ मदद की जरूरत थी, उसने उसकी मदद की, उसे वहीं छोड़ दिया और आगे चला गया। इस भिक्षु ने औरत को छुआ भी नहीं, लेकिन अब वो उसके मन में दो दिन से बैठी हुई है, वो उसे नीचे नहीं उतार सकता। तो जिस व्यक्ति ने वो किया जिसकी जरूरत थी, उसने औरत को वहीं छोड़ दिया, और वो जो औरत से बचने की कोशिश कर रहा है वो हर वक्त उसी के ख्याल से भरा हुआ है। तो ये चीज औरत के बारे में नहीं है, ये किसी चीज के बारे में नहीं है, ये अपने मन की प्रकृति को समझने के बारे में है। अगर आप किसी चीज के लिए कहते हैं कि मैं वो नहीं चाहता, तो केवल वही चीज होगी, क्योंकि इस मन में कोई घटाना या विभाजन नहीं होता। आप अपने मन से एक भी विचार को जबरदस्ती नहीं निकाल सकते। आप चाहे जो भी करने की कोशिश करें, उसमें बस एक और जुड़ जाता है, जोड़ और गुणा ही होगा। आपके मन में कोई घटाना या विभाजन नहीं होता, तो आप किसी खास विचार को जबरदस्ती नहीं निकाल सकते। It is just that if your aspiration is something else, all these things may evaporate. बात बस इतनी है कि अगर आपकी आकांक्षा किसी दूसरी चीज की है तो ये सब चीजें भाप बनकर उड़ जाती हैं। आप पहाड़ की चोटी पर जाना चाहते हैं, आपका पूरा फोकस बस उसी पर है। अब तलहटी में क्या है, आपको उससे मतलब नहीं है। अगर आप तलहटी को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं तो आप चोटी पर कैसे जाएंगे? आप कभी नहीं जाएंगे, है ना? अगर आप तलहटी से बचते हैं तो आप पहाड़ की चोटी तक कैसे पहुंचेंगे? आप कभी नहीं पहुंचेंगे। आपका ध्यान पहाड़ की चोटी पर केंद्रित है, आप तलहटी को पार कर जाएंगे और उस पर आपका ध्यान भी नहीं जाएगा। तो उसने औरत की मदद की, जो कोई बड़ी बात नहीं थी। शायद उसने ये भी नहीं सोचा कि वो आदमी है या औरत। किसी व्यक्ति ने मदद मांगी, उसने बस मदद कर दी और चला गया। लेकिन ये आदमी जो औरत से बचने की कोशिश कर रहा है, उसका मन उसी से भरा हुआ है। एक महान जैन गुरु थे जिनका नाम नानीन था। एक दिन आत्मज्ञान की खोज में एक कसाई उनके पास आया। वो ये संकेत कर रहे हैं कि तुम खुद बुद्ध ही हो, मेरे बराबर ही। वो सबसे ये कहते थे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता भगवान के मन में क्या है, मुझे पता है मेरे मन में क्या है। आप खुद के साथ सच्चे रहें और कुछ होने के लिए कहीं जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि कहीं भी नहीं जाना है।